हे गाइस, वेलकम टू ऑल अलियम केमिस्ट्री। देर इज़ अ बिग अपडेट फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो एडमिशन में पीजी प्रोग्राम के लिए, दिस इज़ द पीजी एडमिशंस, उनके लिए पहला जो लिस्ट है मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, फर्स्ट मेरिट लिस्ट आज रिलीज हो गया। अब रिलीज होने के बाद क्या प्रोसीजर होगा, अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं। मैंने रिसेंटली अपने चैनल पर वीडियो अपलोड किया तो उनके कमेंट्स हम देख सकते हैं यहाँ पर कि मैम मेल आई है शॉर्ट लिस्टेड की। मैं आपको मेल भी दिखाना चाहती हूँ। ये मेरे वन ऑफ माय स्टूडेंट्स दीपांशु का मेल है, तो उसने मुझे ही फॉरवर्ड कर दिया कि उसके मेल पे क्या लिखा हुआ था। उसके मेल पे लिखा हुआ था, आपको एक मेल आया होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की तरफ से, हेलो दीपांशु शर्मा, योर एप्लीकेशन नंबर इज दैट एंड हैज़ बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द एमएससी केमिस्ट्री इन अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। तो ये मेल आता है। अब इसने लिखा है कि मेल आया है पर लिस्ट में नाम नहीं आया, तो बताओ क्या करें। सो बेसिकली लिस्ट कहाँ पर है, मैंने ऑलरेडी क्या किया, अपने एक ड्राइव बना दी है CUET PG 2022 के रिजल्ट्स का। ये मेरी वो ड्राइव है, इसको मैं क्लिक करती हूँ। ये ड्राइव क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या आता है, सॉरी ये इसमें शायद गलत है। अच्छा हाँ, अभी अपलोड नहीं हुआ है, वो मैंने इसमें ड्राइव डाल दिया है, थोड़ी देर में यहाँ पे मार्क लिस्ट अपलोड हो जाएगी। ठीक है, सारी जितनी भी CUET PG 2022 की मेरिट लिस्ट है वो सारी यहाँ पर अपने आप ऑटोमेटिकली अपलोड होती रहेंगी। ये तो मैंने CU पंजाब की लिखी है, इसके बाद सभी फोल्डर में ना अपने आप सारी अपलोड होती रहेंगी और आपको कहीं ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं आपको वैसे भी ऑफिशियल वेबसाइट से भी उसे डाउनलोड करके दिखा सकती हूँ। ठीक है, ये मेरा ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड हो गया मेरा यहाँ पर। अब देखो ये सभी यहाँ पर लिस्ट आ गई है, आपने अपने मार्क्स देख लिए। अब बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि मेरा शॉर्ट लिस्टेड का मेल आया पर नाम नहीं आया। तो बच्चे, अगर मेल आ गया ना तो मेल से ही हमें अपॉर्चुनिटी मिल गई है एडमिशन की। अगर मेल आता है तो आप सीधा यहाँ से लॉगिन करेंगे ना, आप सीधा यहाँ से लॉगिन करो, अपना रजिस्टर्ड ईमेल डालो, पासवर्ड डालो, ये कैप्चा डालो, लॉगिन करो। सीधा क्या आता है वो भी मैं आपको शो करती हूँ कि क्या आता है। ठीक है, मैं सारा बताऊँगी डिटेल इस वीडियो में कि कैसे आप एडमिशन के लिए आके अप्लाई करेंगे। ठीक है, एडमिशन के लिए कैसे अप्लाई करेंगे वो भी मैं बताऊँगी। उससे पहले मैं आपको कुछ और बातें बताती हूँ। जैसे इसमें लिखा है कि चलो हेमवती नंदन, अच्छा देखो मैं सभी यूनिवर्सिटीज़ का बताऊँगी। ठीक है, इन्होंने लिखा है अनेबल टू ओपन द लिंक, कोई बात नहीं, इसे भी हम ठीक कर देंगे। एक कमेंट था यहाँ पे, ये तो नेम वाला ही हो गया ना, एक कमेंट और आया था, मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि वो उसी के ऊपर मुझे मेन काम करना था। हाँ ये देखिए, कहते हैं आई एम सेलेक्टेड फॉर द MA सोशोलॉजी बट आई वॉन्ट टू तेजपुर यूनिवर्सिटी, सो कैन आई होल्ड द एडमिशन, माई स्कोर इज 221। ये क्वेरी है सबकी कि मैम हमारा यहाँ पर पहली मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है। ठीक है, ये जो हमारी यहाँ पर लिस्ट आई हुई है इसमें हमारा नाम आ गया, बट हम यहाँ पर अभी एडमिशन श्योरिटी से नहीं लेना चाहते, मतलब आपको खुद ही श्योर नहीं है। सपोज़ अभी मैं इसमें एग्जांपल ही देती हूँ दीपांशु शर्मा का, जिसका ये मेल भी है। ठीक है, मैं इसका सारा आपके सामने ओपन भी करूँगी। सो दीपांशु का यहाँ पर देखो, दीपांशु शर्मा EWS अनरिजर्व कैटेगरी में 228 मार्क्स हैं। अब ये कहते हैं कि मैम मेरा पहली मेरिट लिस्ट में नाम आता है, इवन उनका पहला नाम आता है, दैट्स अ वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन दीपांशु फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, अब इसने अप्लाई किया MSc केमिकल साइंस मेडिसिनल केमिस्ट्री में, राइट। अब मैंने इनको सजेस्ट कर रखा है कि आपको राजस्थान मिल सकता है, बिकॉज ये बच्चा राजस्थान से ही है, सो ये राजस्थान के लिए अप्लाई करेगा। ठीक है, तो क्या ये यहाँ पर एडमिशन ना ले, और अगर इसको श्योरिटी नहीं है कि नहीं मेरे को तो इसको होल्ड पे रखना है, तो बच्चे हम थोड़ा सा बैक में चलते हैं। ठीक है, कि हम यहाँ पर क्या करें, क्योंकि अपने को टाइम कितना दे रखा है, सिर्फ 2 दिन का। इन्होंने कहा है कि आज होगी थी 10 तारीख, और जब तक आप ये वीडियो देखेंगे, मतलब अगला दिन ही आ जाएगा, 12 बजे के बाद ही अपलोड होगी, तो भाई 1 दिन आपको मिलेगा, 11 और 12 तारीख, वो भी 11 बजे तक की, जिसमें आपको फ़ीस भरनी है। अब मैम अगर हम यहाँ पर फ़ीस भर देते हैं और हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में एडमिशन नहीं लेना चाहते, हमारा राजस्थान में है, या मैं लेना चाहता हूँ तेजपुर यूनिवर्सिटी में, तो मैं कैसे इसको होल्ड पे रखूँ। वेल, मैं इसके लिए आपको बताती हूँ कि ऐसे सिचुएशन में क्या करना है। तो यहाँ पर ऑनलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल था जो हमारा, इसको मैं जूम कैसे करूँ, ये जूम हो गया ना, ज़्यादा ही जूम हो गया, चलो जो भी है, ज़्यादा ही जूम हो गया लिटरली, थोड़ा सा कम कर देते हैं, अब हो गया ना ठीक। हाँ, तो अभी देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा है
कि भाई अगर आप पर्टिकुलर डेट पे, जो यहाँ पे डेट मेंशन कर रखी है, यहाँ पर जो हमें डेट मेंशन कर रखी है कि पहली लिस्ट 10 तारीख को आ गई, ठीक है जी, और 12 तारीख को आपको फीस सबमिट करानी है 1.1 लिस्ट के अकॉर्डिंग, आज 1.1 आती है। अब अगर आप यहाँ पर करा देते हो अपना जो आपकी फ़ीस है, मैं आपको दिखाऊंगी भी कि कितनी फ़ीस है और कैसे आगे वो पे करनी है, अगर आप कर देते हो तो आपका यहाँ पर एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। बट अगर आप यहाँ नहीं करते हो ना, आप यहाँ छोड़ देते हो, ब्लैंक कर देते हो, तो आपका यहाँ से एडमिशन कैंसिल, कोई चांस नहीं मिलेगा। मैं पहले ही बार बार बता रही हूँ, अगर 1.1 में नाम था, 12 तारीख तक अगर फीस नहीं भरी गई तो आपका चांस गया, सीधा राउंड टू में चलेंगे। राउंड टू में ये क्या करेंगे, राउंड टू में जो बच्चे जिनका कम रैंक था, अभी जैसे हमने लिस्ट में देखा भी है, काफ़ी कम जाएगा इसमें रैंक, देखना ठीक है, ऐसे ऐसे करके ये सारा प्रोसीजर चलेगा। इसके अलावा एक पॉइंट और आता है, मैं आपको वो डिस्कस करती हूँ। एक सेकेंड, मैं इसमें आपको दिखाती हूँ, एडमिशन नोटिस ही हो गया ना। या दिस इज द प्रोस्पेक्टस। अब इस प्रोस्पेक्टस में हमें एक चीज़ ढूंढनी है। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास ये फुलफिल होना चाहिए। यहाँ हमें एक चीज़ पहले ये मिल गई, वो मेन चीज़ जिसका मैं आपको शो करना चाहती हूँ। बच्चों, अगर आपने एडमिशन डाल दिया, मतलब आपने यहाँ पर क्या कर दिया अपना, वो जो मैं आपको बता रही थी कि आपने अपना फ़ीस भर दिया, फ़ीस भरने के बाद 15 दिन तक आपको टाइम मिलेगा, 15 डेज और मोर बिफोर द फॉर्मली नोटिफाइड द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। 15 दिन तक आप, लिखा है द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द नोटिस ऑफ विड्रॉल ऑफ एडमिशन, आप अपने एडमिशन के पैसे विड्रॉ कर सकते हो 100%, पूरे 100% फीस आपकी रिफंड हो जाती है, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन का फीस नहीं मिलेगा, एडमिशन एडमिशन का मिलता है, रिफंडेबल फीस ही होती है। अगर आप लेस देन 15 डेज करते हो, इन्होंने कहा है बिफोर द फॉर्मली, तो आपको 90% मिलेगा, 15 दिन और लेस आफ्टर द फॉर्मली 95, 80, 30 दिन लग जाते हैं 50%, और अगर 30 दिन से ज़्यादा, मतलब आप 30 दिन के बाद कहते हो कि भाई हमें तो अब यहाँ एडमिशन नहीं लेना है पंजाबी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में, तब आप क्या करेंगे, आपको 0% रिफंडेबल होगा, ठीक है। तो 15 जो दिन है मोर बिफोर द फॉर्मली जो नोटिफाइड डेट होगी, उससे 15 दिन जैसे पहले ही अगर आप कर लेते हो, लेस देन 15 डेज के अंदर अगर आप कर लेते हो, या 15 दिन और उसके बाद में लेते हो, तो इस तरह से क्राइटेरिया है, फीस आपकी रिफंडेबल है। इंक्लूसिव ऑफ द कोर फीस एंड द नॉन ट्यूशन बट एक्सक्लूसिव द क्वेश्चन, जो आपने सिक्योरिटी वाली भरी थी डिपॉजिट, उसकी बात कर रखा है यहाँ पे, एंड द यूनिवर्सिटी विल UGC अंडरलाइन के अकॉर्डिंग वो आपको रिफंड कर देते हैं। ये जेन्युइन सी बात है, रिफंड होती है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, लास्ट ईयर भी रिफंड हुई थी। यूनिवर्सिटी शेल डिडक्ट द 5% ऑफ द फी पेड बाय द स्टूडेंट सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम 5,000 रुपये। भाई यूनिवर्सिटी पैसा कट करके रिफंड करेगी, पहला पॉइंट उनका यहाँ पे देखो, ऊपर ये लिख रखा था ना, अब नीचे पढ़ो, 5% कट करके मिलेगा। दोज कैंडिडेट हु कैंसल देयर एडमिशन बिफोर द रजिस्ट्रेशन एंड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बट विद इन द 1 month लास्ट डेट एंड नो रिक्वायर्ड टू कैंसिल द सीट एंड नो अदर मोड ऑफ रिक्वेस्ट द कैंसिलेशन एकेडमिक फी रिफंड शुड बी द एंटरटेन। मतलब सब कुछ यहाँ पर पॉइंट मेंशन है, तो भाई ध्यान से सोच समझ के हॉस्टल फीस का भी रिफंडेबल का क्राइटेरिया दे रखा है, आप प्लीज़ इस प्रोस्पेक्टस के ये रिफंडेबल वाले को ज़रूर पढ़िएगा। ये जो रिफंडेबल वाला क्राइटेरिया है, इसको सब बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जेन्युइन सी बात क्रिएट होती है कि मैंने जैसे आपको कहा कि अभी यहाँ पे क्या है कि ना, ये स्टार्टिंग है, यू नो, ये अभी हम स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, ये तो पहली, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब जो पहली यूनिवर्सिटी है जिसने अपना पोर्टल ओपन किया है, तो अभी क्या है कि रैंक थोड़ा सा, मे बी जो कट ऑफ है मे बी थोड़ी हाई लिखी हुई है, पर बहुत सारे बच्चे यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे तो कट ऑफ नीचे जाने वाली है। तो अगर आपको डाउट है ना कि मैं यहाँ एडमिशन लूँ, जैसे इस बच्चे का कमेंट स्पेशली कि मैम मेरे को, मैं MA सोशोलॉजी में सेलेक्ट हो गया बट मैं तेजपुर में लेना चाहता हूँ, तो मैं इसको होल्ड कैसे करूँ, तो बच्चे होल्ड करने का वन एंड ओनली वन तरीका यही है कि आप अपना एडमिशन करा दो। अब एडमिशन की फ़ीस भी 13,000, 12,000, 17,000, 20,000 तक है। अगर आपको लगता है कि 15 दिन के अंदर अंदर तेजपुर अपना पोर्टल रिलीज कर देगी तो एडमिशन कराओ, अदरवाइज आपको लगता है कि नहीं मेरा तो एडमिशन ऐसे ही तेजपुर में हो जाएगा, तो रहने दो इस सीट को रहने दो, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सोच समझ के हमें काम करना होगा, ठीक है। ये तो बात होगी हमारे स्टाउट की। इसके बाद एक डाउट और आता है, यहाँ पे डाउट था डॉक्यूमेंट्स वाला।
एक जस्ट गिव मी अ 1 मिनट, एक डॉक्यूमेंट्स का था, ये रहा मैम। गैप ईयर सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनाएं? भाई अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट्स नहीं है तो प्लीज़ आप क्या करेंगे, आप इनका अंडरटेकिंग डाल दो। करेक्टर सर्टिफिकेट कॉलेज देगा, गैप ईयर का सर्टिफिकेट बेसिकली आप एक बार ना यूट्यूब पर देख लेना कि गैप ईयर का सर्टिफिकेट कहाँ से आप इसे बनवाते हैं, ठीक है। अदरवाइज मेरे को भी आइडिया नहीं है गैप ईयर का तो, क्योंकि मैंने कभी गैप ईयर नहीं किया और ना ही मेरी कभी किसी से बात हुई है। सो प्लीज़ आप एक बार ना गैप ईयर के लिए यूट्यूब पर देख लेना, राइट। और भी बहुत सारे डाउट आए रहते हैं, मैं मेल आई है शॉर्ट लिस्टेड नहीं है, बट आप अप्लाई करो। अब देखो मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ जिनका मेल आया, और जिनका मेल में, क्योंकि जिनको मेल आई है उनके एडमिशन में है, लिस्ट में नाम है या नहीं है वो अलग बात है। आप यहाँ पर अप्लाई करें क्योंकि उन्होंने मेल जनरेट करी है, ऐसे गलत तो नहीं होगा ना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसे क्या करूँगी, लॉगिन करूँगी, राइट। अब मैं इसे लॉगिन वगैरह करती हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसीजर बताती हूँ। ओके, सो वेल, मैंने लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल दिया है, और लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने के बाद देखो, इस बच्चे ने 2 जगह अप्लाई किया था प्रोग्राम प्रेफरेंस के लिए। प्रेफरेंस नंबर पर एमएससी केमिस्ट्री रखा था और केमिकल साइंसेज मेडिसिनल प्रेफरेंस 2, और इसका दोनों में नेम आता है। उसके बाद यहाँ आता है कि पे एडमिशन फीस, जिसकी 12 तारीख लास्ट डेट है पे एडमिशन फीस, और इसको जिसमें लेना होगा वो पे एडमिशन फीस करे। एडमिशन फीस करने के बाद ये सारा देखो आ गया यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर 13,590, जिसमें एक एक डिटेल इन्होंने मेंशन कर रखा है किसका कितना फीस है। ट्यूशन फीस 1800 रुपये है, ये फीस इतना है। ये सारा फीस करने के बाद आपको पेमेंट का गेटवे ICICIC, इसको मैंने क्लिक किया, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि मैं आपको इसीलिए स्पेशली मैंने था कि मैं आपको बताऊं कि रियलिटी में यहाँ पे कैसे क्या होता है। अब मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस ये था, क्योंकि अभी अगर आपका लिस्ट में नाम आ जाता है उसके बाद आप कंफ्यूज रहते हो कि कहाँ पर हमें क्या अप्लाई करना चाहिए। अब आई थिंक सो दैट मेरा नेटवर्क इशू हो गया क्या, अगर ये ओपन नहीं हो रहा जनरली, और वैसे भी ये सिचुएशंस ये बैंक वाली इसमें ना चलता ही रहता है। यहाँ चल तो रहा है नेट शायद, नो, ये मेरा नेटवर्क इशू है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ये मेरा नेटवर्क इशू हो गया यहाँ पे। तो आपने इसे कर लेना, ये तो कुछ हो गया इसमें ना नेटवर्क का, आपके पास सीधा ओपन हो जाएगा। देखो मेरा वाईफाई चला गया है ना, तो मेरा वाईफाई पोर्टल बंद हो गया अभी फिलहाल। क्या करते हैं, अभी हम वापस से अपने ट्रैक पर आते हैं। तो बेसिकली मुझे इस वीडियो में आपको यही काफ़ी सारी डिस्कस करनी थी कि अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं आए तो आप अंडरटेकिंग लगा दो, ठीक है। अगर मेल आया तो सीधा यहाँ से लॉगिन करो और जाओ। अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। वेल, अभी आपके और भी जो डाउट्स होंगे, कमेंट सेक्शन आपके पास अवेलेबल है, आप अपना कमेंट सेक्शन में लिखिए सॉरी, और मैं कोशिश करूँगी कि आपका हर एक डाउट क्लियर करूँ। आई थिंक अभी वाईफाई ऑन हो गया, मैं एक बार और ट्राई करके देख लेती हूँ ये हुआ है या नहीं हुआ है पता ही नहीं इसका भी, अभी मेरे इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। बट अगर आपका कोई भी टेक्निकल इशू आता है तो ये नंबर है, सीधा कॉल करना, मतलब ये जो भी होगा ना नीड एनी हेल्प तो कॉन्टैक्ट हेल्प डेस्क करते हैं उनका, सॉरी ये नंबर है, इस पर कॉल करना 9 बजे से 6 बजे तक, और ये मेल आईडी है, सीधा कॉल करना और पूछ लेना उनसे जो भी क्वेरी है, राइट। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड डोंट वेरी, अलियम केमिस्ट्री चैनल आपके साथ है, जो कि हर एक यूनिवर्सिटी का भी, एक बच्चा लिख रहा था कि मैम हेमवती नंदन का भी बता देना, हरियाणा का भी बता देना, भाई अलियम केमिस्ट्री चैनल आपको हर एक यूनिवर्सिटी की लिस्ट के बारे में बताएगा। मेक श्योर कि आप एडमिशन का प्रोसीजर सेम ही रहेगा, अगर आप लेना चाहते हैं तो लीजिए, एडमिशन का फीस भर दो, अगर नहीं लेना है तो मत लो, अगर आप रिफंडेबल करना चाहते हैं तो रिफंडेबल का प्रोसेस भी आप कर सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो।